अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस्त वाणी वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मैं ना एक इम्पोर्टेंट सी वीडियो लेके आई हूँ। अभी इतना हिम्मत नहीं है कि व्लॉग बनाऊँ, तो ये वीडियो जो है ना वो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी नई नई मम्मीज़ हैं या जो भी हैं लोग, बहुत सारे लोगों के काम आने वाली है ये वीडियो, कि हॉस्पिटल अगर मैं जाऊँ तो फिर मैं बच्चे के लिए क्या क्या लेके जाऊँ। तो हॉस्पिटल बैग जो होता है ना बेबी का, वो ये वाला तो मैंने आपको दिखाया था, हमने ख़रीदा था, गिफ्ट मिला था मुझे माँ वालों की तरफ से बेबी बैग। तो इसमें मैंने पूरे सामान भर के रख दिए, लेकिन मैंने ये गलती कर दी, मैं पहले आपको दिखाती फिर भर के रखती, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ये आइडिया बाद में आया कि चलो मैं एक इधर से एक वीडियो बना लूँ, तो इसलिए मैंने भर के रख दिया। तो अभी आपको दिखाऊंगी, फिर अगेन मैं सेट करके रख दूंगी। और क्योंकि ये डेफिनेटली मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि मैं इसमें क्या लेके जाऊँ क्या नहीं लेके जाऊँ, तो मेरे हिसाब से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारी इसमें सेट करके रख दी है। लेकिन आप लोग कॉमेंट से मुझे बताना कि क्या मैं इसके अलावा भी कुछ चीज़ें रखूँ कि ना रखूँ। और इतना हेवी बैग कर दिया है मैंने, मैं पता नहीं कितने दिन हॉस्पिटल रहने वाली हूँ, मुझे आइडिया नहीं है ना, इसलिए तो हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है सीजेरियन हो, अल्लाह को पता। तो इसलिए हमने फिलहाल बस प्रिपरेशन कर ली है फ्यूचर की। तो हम चलो इसको ना अनबॉक्स करते हैं, खोलते हैं बैग और देखते हैं अंदर क्या क्या है, एंड या लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। क्योंकि आज की ये वीडियो जो है ना वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, इसलिए मैं बहुत अच्छे से क्यूट क्यूट कपड़े पहन के तैयार हुई हूँ। और मैंने ये रिंग्स वगैरह भी पहनी है, ये मुझे बांग्लादेश से किसी ने गिफ्ट भेजा था बेबी शॉवर के बाद, तो इसलिए। और फिर ये इयररिंग्स भी बांग्लादेश में किसी ने भेजी थी, तो मैंने बहुत शौक से ये सब आप लोगों के गिफ्ट पहने हैं। सो थैंक यू सो मच जो जो भी भेजते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फ्रंट वाली चेन में क्या डाला है, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट। बाय द वे ये बैग बहुत हेवी है, मैं उठा भी नहीं पाऊंगी, लेकिन ऐसे दिखा सकती हूँ। ये है मेरा क्यूट सा बेबी बैग। तो अभी हम ना सबसे पहले फ्रंट वाली जो चेन है ना वो खोलते हैं। इसमें मैंने भर के डाइपर्स रखे हैं, क्यूट क्यूट से डाइपर्स। कितना छोटा सा डाइपर है ये देखो, कितना क्यूट है, कार्टून्स बने हुए, बियर बना हुआ है इस डाइपर में। तो ये मैंने हगीज़ का डाइपर जो है वो लिया है। अभी डिपेंड करता है, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बच्चे पे ट्राई करेंगे कि बच्चा को कौन सा डाइपर, मतलब किस, कभी कभी क्या होता है रेशेस भी होते हैं, तो इसलिए हमने फ़िलहाल हगीज़ ब्रांड ट्राई करने का सोचा है। तो बस इस चेन में मैंने यही रखा है और कुछ भी नहीं रखा, तो डाइपर्स ही डाइपर्स है, भरे पड़े डाइपर्स। ये मेरा बाल कहाँ से आ गया इस बैग के अंदर। चलो इस वाली चेन में ये हो गया। अभी जो फ्रंट वाले चेन्स है ना वो बहुत सारे खाली हैं, तो मैं सोच रही हूँ चलते फिरते कुछ डॉक्यूमेंट हो गए या कुछ और काम की चीज़ें हो गई या ड्राई टिश्यू पेपर हो गए वो इसमें कुछ डाल देंगे, कुछ काम की चीज़ें जो होता है ना इसे निकाल के बस डालो ऐसा कुछ। इमन तुम क्या कहते हो इसमें क्या डालना चाहिए आगे वाली चेन में? हॉस्पिटल का एडमिशन कार्ड। तो हमें आइडिया नहीं है हम कब हॉस्पिटल जाएँ, तो इसलिए पहले से बैग रेडी करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर यहाँ पे ये वाले भी कुछ है, इधर तो हम दोनों हमारे टूथपेस्ट और ब्रश रख सकते हैं। तो फिलहाल इस बैग में बहुत सारी चेंज है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे भी कुछ एरियाज है ना खाली हैं, तो बैग मतलब आप जब हॉस्पिटल के लिए लो तो ऐसा बैग लो जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो। और बाय द वे हगीज़ जो डायपर थे ना वो दो ब्रांड्स के, दो कंट्रीज़ के थे, एक इंडियन था एक मलेशियन था, तो हमने मलेशियन वाला ट्राई किया है और नेक्स्ट टाइम हम इंडियन वाला भी ट्राई कर सकते हैं। और अभी इस बैग के पीछे भी एक जगह है, तो माशाल्लाह से चारों तरफ ही जगह ही जगह है। मैंने सोचा था पहले मैं बच्चे के कपड़े और अपने सामान दोनों इसमें डालूंगी, लेकिन मेरे बच्चे ने सारा बैग ही हड़प लिया, उसके सारे सामान भर के आ गए, इवन एक्स्ट्रा भी सामान हो रहा है, वो भी अभी हमें एक्स्ट्रा बाद में लेना पड़ेगा। तो खैर चलो इसको खोलते हैं। बाय द वे ये बैग जो है ना ये हमने ख़रीदा था जमुना फ्यूचर पार्क जो मॉल है उसके, कौन सा था, किड्स पैराडाइज दुकान से, तो किड्स पैराडाइज से हमने ये ख़रीदा। और इतने सामान उस दुकान से ख़रीदे, इतने सामान खरीदे कि इमोन घर लेके आया था ये गोल्डन कार्ड। ये देखो गाइस, हमें ना गोल्डन कार्ड मिल गया, गोल्डन मेम्बरशिप, तो क्या गोल्ड मेंबरशिप, गोल्डन 10% डिस्काउंट के साथ ये कार्ड भी मिल गया, क्योंकि बहुत अच्छी खासी शॉपिंग कर ली। एक इंसान होता है ना एक बार जाता है और अच्छे खासा सामान लेके आता है, तो इससे ही था बस सीन के बहुत काम की चीज़ें एक ही दुकान से ले ली। तो चलो आर यू गाइज एक्साइटेड, खोलूँ बैग? क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले हम ना ये वाली चीज़ लेंगे, ये मैंने ऐसे ही रख दिया है, इसको स्टरलाइज करेंगे और बाद में इसको हम लेके जाएंगे बच्चों के लिए, 0 to 6 मंथ के लिए। फिलिप्स का ये भी है, तो चलो एक ये है
तो फ्रेंड्स, पहला आइटम आप लोगों ने देख लिया। सेकंड आइटम जो है वो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वेडल के जो कवर शीट्स होते हैं, स्वेडल का जो कपड़ा होता है वो, क्योंकि बच्चा जो है ना, जब नया नया होता है, बहुत मूव करता है ना, तो उसको स्वेडल करके रखते हैं हॉस्पिटल में। तो यही देखा है, जितने वीडियोज़ वगैरह देखे हैं, स्वेडल स्वेडल होता है। तो फिर ये वाला जो है ना, मसलिन का कपड़ा है, और ये भी उधर से ही लिया है, जमुना फ्यूचर पार्क से, किड्स पैराडाइज से। और इसका कपड़ा जो है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बच्चे की स्किन जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, सेंसिटिव होती है। तो ऐसा कुछ सामान हो जो कि बहुत ही नरम नरम हो और बच्चे को कोई रैशेज वगैरह ना हो। तो सबसे पहले ये लिया है, एक तीन का सेट था, तो मैं हॉस्पिटल जो है ना, वो दो लेके जा रही हूँ, ठीक है। बाकी अगर, वैसे भी तो ढाका में ही है ना हॉस्पिटल, अगर कुछ सामान मतलब रह गए तो हम लोग फिर घर से मंगवा लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और दूसरा ये क्यूट सा बियर, ये वाला जो है ना स्वेटल देख के मुझे इमोन की एनिमेशन याद आ गई। जब हम कोरिया में थे ना, तो इमोन का एक प्रोजेक्ट था एनिमेशन का, और उसने ये एग्जैक्टली सेम बियर जो है ना, उसका एनिमेशन बनाया था, पूरा एक होल स्टोरी। तो इमोन, ये वाला तो हमारे दिल के करीब होगा ना पूरा, ऐसा लगता है इमोन का आर्ट वर्क है इसमें अंदर। तो ये वाला भी क्यूट सा एक है, मतलब मेन ये है कि बस बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा होना चाहिए, मेन ये है, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिए हैं कुछ टोपी, और इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक मिटिन्स बोलते हैं, बच्चों के हाथ में जब नाखून वाखून बड़े होते हैं ना, तो मिटिन्स पहनाते हैं। और फिर एक ये वाली टोपी क्यूट सी, और इसके साथ है सेट में दो मिटिन्स, ठीक है, और दो पाँव के सॉक्स। तो जो जो चीज़ें बस काम की आएंगी, नहीं आएंगी तो एक्स्ट्रा ही रख दूंगी। लेकिन टोपी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में एसी चलती है, तो इसलिए टोपी हम पहना देंगे। और उसके बाद मैंने कुछ ना टॉवल्स लिए हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन खरीदे थे, छोटे से टॉवल है, बच्चे को सफाई वफाई करने के टाइम काम आ सकते हैं, ऐसे साइज़ के हैं, और बहुत ही नरम सा टॉवल है। तो ऐसे मैंने एक दो तीन चार पाँच ये वाले चीज़ें ले लिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये वाला लिया है, इसके साथ एक ड्रेस थी, वो ड्रेस मैंने ली है कि नहीं ली पता नहीं, यहाँ लिखा है डैडी एंड मी, हर जगह डैडी एंड मी, मम्मी नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी, हर जगह आजकल की ब्रांडिंग देखो ना, डैडी डैडी लगा देते हैं। ये देखो, चलो अच्छा है, इमोन खुश होगा, दो डायनासोर बने हुए क्यूट से। और इसके बाद एक मैंने छोटा सा ऐसा वाला भी लिया है स्वेडल, जो कि ब्लैंकेट टाइप हम यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटा कपड़ा है इसका और नरम है, तो एज ए ब्लैंकेट ये वाला स्वेडल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, ठीक है, ये मेन काम हो गए, स्वेडल, टोपियाँ चुपियाँ, टॉवल्स। अभी आते हैं कपड़े, कुछ कपड़े जो माँ ने गिफ्ट दिए थे ना, उनमें से मैंने एक ये रोम्पर रखा है, ये वाला जो कि पूरा ऐसे फुल पाँव की तरफ है, पूरा फुल कवर्ड, तो ये भी पहना सकते हैं हम बच्चे को। या फिर उसके अलावा मैंने छोटे छोटे से कुछ और कपड़े रखे हैं, क्यूट क्यूट से। मैंने इससे पहले आपको कभी बच्चे के कपड़े नहीं दिखाए, तो इसलिए, क्योंकि मैं शॉपिंग किए जा रही थी, मैंने सोचा अभी प्रॉपर टाइम मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी। तो बेबी का बैग जब बना रही थी, तो मैंने सोचा अभी आपसे कपड़े शेयर करती हूँ। तो ये क्यूट सा एक है ड्रेस, जिसमें ना डॉगी बना हुआ है तो ये मैगी है, मैगी और बेबी। और उसके अलावा फिर यहाँ पे एक ये वाली क्यूट सी ड्रेस है। तो ये वाले ड्रेसेस मैंने इसलिए रखे हैं कि शायद कंफर्टेबल हो स्टार्टिंग में, जो नया बच्चा होता है उसके लिए। तो फिलहाल मैंने कुछ मतलब आए रख ही दिए हैं, कितने लेके जाऊँ पर समझ नहीं आ रहा। अरे यहाँ पे क्या बना हुआ है, डायनासोर। कार्टून्स हमें बहुत पसंद है, क्योंकि इमोन का एनिमेशन का है, और फिर मेरा भी कुछ ऐसा ही रिलेटेड है ना सब्जेक्ट, तो मैं कार्टून से बहुत लगाव है। और फिर मैंने यहाँ पे रखे हैं दो नीमा, बाय द वे इन सारे कपड़ों को ना मैंने धो के रखा है, तो मतलब माँ ने धो के दिए सारे कपड़े, तो क्योंकि जब नया नया बेबी होता है, तो माँ ने बोला कि मतलब दुकान से सामान खरीदें, जर्म्स वगैरह भी हो सकते हैं ना, तो इसलिए हमने सारे कपड़े धो के रखे, इसलिए गुंज कुछ हो गया है, इस्त्री भी नहीं कर सकते, छोटे छोटे कपड़े ऐसे ही बदले जाऊँगी। तो ये एक नीमा टाइप है, कुछ बहुत ही पतला सा कपड़ा, दो तीन बटन लगे हुए हैं स्लीवलेस है, तो एक ये लिया है, और एक मैंने ये लिया है स्ट्रॉबेरी, दूर से दिख रहा है कि नहीं, ये स्ट्रॉबेरी वाला, ठीक है। और उसके अलावा मैंने एक मोटा सा ड्रेस भी ले लिया है, जस्ट इन केस के उधर ना ठंड वंड ना हो, तो इसके साथ ये है, फिर ये इसके साथ टोपी है, ये पूरा मतलब सेट है, ठीक है। इसके साथ ये है शर्ट, और उसके अलावा इसके साथ है दो ट्राउज़र, एक ट्राउज़र ऐसे है पूरा नीचे पाँव कवर्ड है, और एक ट्राउज़र ऐसे है जो पाँव खुले हुए हैं। तो
हॉस्पिटल में तो ये बैग सारा जो है वो इमोनी देखेगा। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इतना होश होगा हॉस्पिटल में कि मैं इस चीज़ें देखूँ क्या करूँ। तो जब मैं इसको फाइनली पैक करूँगी फिर से, तो मैं इमोन के साथ बैठ के पूरा पैक कर दूँगी ताकि उसको पता हो कि हर एक चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है। और उसके बाद मैंने ये एक टॉवल भी लिया है, ये सारे कपड़े धो के रखे हैं इसलिए थोड़े ऐसे 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 हो गए। तो ये टॉवल है कि उस साइज में क्या बना हुआ है, शार्क, बेबी शार्क, तो ऐसा वाला टॉवल, ठीक है, एक ये रख दिया। और जस्ट इन केस अगर बच्चे को पिलो चाहिए होगा, बच्चे को क्या क्या चाहिए होगा पूरी चीज़ें ध्यान में रखी है, तो ऐसा भी हो सकता है उसको पिलो चाहिए, तो ये सॉफ्ट सा एक पिलो है, ये वाला भी एक रख देते हैं, ठीक है। मतलब चीज़ें ज़्यादा रख सकती हूँ ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम है, लेकिन चीज़ें कम ना हो मेरा मेन टारगेट ये है, इसलिए मैंने छोटा छोटा करके एक्स्ट्रा बहुत चीज़ें रख दी है। और ये एक फिलिप्स की बॉटल है, इसको स्टेरिलाइज भी करेंगे, कुछ बॉटल स्टेरिलाइज करके रख दिए हैं, कुछ ऐसे पैकेट में ही रखा है, तो इसको भी स्टेरिलाइज करके लेके जाऊँगी। और उसके अलावा एक कुछ प्लास्टिक बैग्स रखे हैं कचरा वचरा फेंकने के लिए, डायपर फेंकने के लिए, कुछ मास्क रख दिए हैं कि अगर कोई बेबी से मिलने आए या फिर हम लोग ही उधर हॉस्पिटल में इधर उधर होते रहेंगे, टेस्ट होते हैं क्या क्या होते हैं, तो हम लोग मास्क वगैरह यूज़ करें, तो एक पूरा पैकेट मैंने मास्क का रख दिया है क्योंकि कोरोना तो अभी तक गया नहीं है ना। और फिर कुछ ऐसे वेट टिश्यू बेबी वाइप्स जो है वो रख दिए हैं, ऐसे 3-4 रख दिए हैं मैंने अंदर बैग के अंदर ही, ठीक है। और मैंने कुछ टिश्यू रोल रख दिए हैं, और उसके अलावा रेश क्रीम ये वाली रखी है इसके अंदर, और फिर हमने रखा है इसके अंदर बेबी बॉडी वॉश एंड शैम्पू एक साथ ही। ये वाली ब्रांड भी पता नहीं कौन से कंट्री की थी, पता नहीं, जर्मनी, जर्मनी की ना, सिटअप फेल कहते हैं शायद इसको ना पता नहीं क्या बोलते हैं, तो जो भी हो सुना है बहुत अच्छी ब्रांड है, तो इसलिए ये भी रख दिया है। और बेबी के लिए हमने रखा है सेम ब्रांड का बॉडी लोशन, ये मैं भी यूज़ करने वाली हूँ, मैं अपने, मेरा भी तो एक बैग बनना है ना इमोन, मेरा भी एक बैग बनना है, और ये तो फिर ये मैं भी यूज़ कर सकती हूँ शायद, या मैं अपना अलग भी ले सकती हूँ। और फिर हमने एक ये भी रखा है जो कि पाउडर मिल्क होता है, सुना है किसी किसी का खुद का मिल्क फ़िलहाल नहीं होता स्टार्टिंग में, तो पाउडर मिल्क खिलाना पड़ता है, तो अगर हम फार्मूला मिल्क लेंगे तो उसके लिए भी ये वाला जो क्यूट सा एक लंच बॉक्स की तरह है, देखो कैसे खुलता है, इतना अच्छे से खुलता है, इसमें तो मेरा दिल करता है हमारी चाय डाल के हॉस्पिटल जाएँ, कॉफ़ी डाल के हॉस्पिटल जाएँ, तो इतना क्यूट है। बच्चों के सामान यार माशाल्लाह से बहुत क्यूट होते हैं, बस ये क्यूट सा ये भी लेके जाएंगे हॉस्पिटल। और फिर कुछ हमने ये भी ले लिया है, शायद बच्चे को कुछ सफाई वफाई करने के काम आए, ये ना बेबी कॉटन बड्स हैं जो कि दुकान वाले ने रिकमेंड किया था कि बच्चे को चाहिए होता है, ये डिफरेंट स्टाइल में है, नॉर्मल वाले नहीं है, तो पता नहीं क्या साफ करेंगे इसे, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। और फिर ये 2 पी पेड्स लेके जा रहे हैं ऐसे क्यूट सा, इसमें क्या बना हुआ है, ये पू बना हुआ है ऐसे, एक ये छोटे छोटे साइज़ के ही 2, और एक ऐसे। हाय मैं टायर्ड हो गई वीडियो बनाते बनाते, मेरी एनर्जी ख़त्म हो रही है, जल्दी जल्दी से बना लूँ फिर इमोन से कराते हैं हम पैकिंग, ठीक है। तो गाइस फाइनली आवर बैग हैज़ बीन फिनिश्ड, फ्रेंड्स ये हमारा बैग जो है ना पूरा कंप्लीट ख़त्म हो गया, और क्या हो सकता है, आई थिंक हमने पूरा सामान ही ले लिया है। बाय द वे मैंने कुछ वीडियोस भी देखी थी गूगल पे, बहुत रिसर्च किया कि बच्चे के लिए हम क्या क्या हॉस्पिटल बैग में लेके जा सकते हैं, तो उस हिसाब से ही हमने शॉपिंग की है, कोशिश किया है कि कुछ आलतू फालतू सामान ना लें, ज़रूरत के सामान लें, तो मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ लिया है। बाय द वे फिर भी आप लोग कॉमेंट्स में बता देना कि अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए हो, और हॉस्पिटल में हमें पता नहीं होगा हम कितना दिन रहें, कुछ आइडिया नहीं है, अल्लाह को ही पता है वो एग्जैक्टली क्या हो सकता है, तो इसलिए हमने कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है लेके जाएं। उसमें सबसे पहले है ये बॉटल स्टेरिलाइज़र जो कि मैंने ट्राई किया था यूज़ करना, सीखा कैसे यूज़ करते हैं, फिर हम इसमें लेके जाएंगे उसको सही से पैक करके, तो क्योंकि हम लोग तो खुद से ही चले जाएंगे, हॉस्पिटल भी ढाका में ही है, तो फिर हम लोग ना ज़्यादा सामान लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ें गाड़ी में भी रख देंगे, अगर हॉस्पिटल रूम में ना भी लेके जाऊँ तो कुछ इमरजेंसी में लेके आ सकते हैं, तो गाड़ी में हम सामान रख देंगे बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ये सबसे पहले स्टेरिलाइज़र लेके जाएंगे क्योंकि बॉटल्स वगैरह यूज़ होते हैं। और दूसरी चीज़ है ये है ब्रेस्ट पम्प, मैंने सुना है बहुत रीड किया इधर उधर के अगर माँ का खुद का मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो आप ब्रेस्ट
पंप जो मशीन है वो ट्राई कर सकते हो और फिर दूध आना स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग में एक पुश देने के लिए ये वाली चीज़ यूज़ होती है। तो ये बाद में भी शायद यूज़ ही होगी, पता नहीं क्या है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये वाला मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो इसको भी मैं स्टेरिलाइज करके, इसके जो फीडर्स वगैरह हैं, मशीन है ये वाली धो वो के साफ़ करके फिर हम लोग इसको भी लेके जाएंगे। तो ये दो सामान भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है वो है बेबी कैरियर ये वाला, क्योंकि जब बच्चा होगा ना तो हम लोग इसमें शायद गाड़ी में रख के लेके आएँ, तो इसको हम ना हॉस्पिटल में नहीं लेके जाएंगे, शायद गाड़ी में ही रखेंगे, फिर गाड़ी में इसमें ही सुला के बेबी को लेके आ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत मतलब कंफर्टेबल है, इस इमोन उठाएगा बेबी को डेफिनेटली, तो उसके लिए बहुत ही ईजी होगा। ऐसे ग्रिप है, पूरा टाइट है इसका हैंडल, और फिर इसको आप खोल भी सकते हो। ये वाला कपड़ा जो है ना वो बहुत लाइट है, नेट है, तो इसमें हवा भी पास हो सकती है, तो ये वाली चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो चीज़ है वो हम लेके जाएंगे बेबी के लिए कुछ बेड वगैरह, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, तो उसमें क्या है कि बच्चे को हम सुलाएंगे। तो बस बच्चा 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 माशाल्लाह से सारा बच्चों का सामान है। तो ऐसे ना हमारा आज का जो वीडियो है वो भी मैं एंड करूँगी, क्योंकि बस कंप्लीट ही हो गया, आई थिंक मैंने सब कुछ दिखा दिया। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए मैंने बनाई, बहुत सारे लोगों को काम भी आने वाली है, और मैंने इतनी मेहनत से इतनी चीज़ें अरेंज करके रखी है, तो आप लोगों से मैं जैसे हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेयर कर दूँ। और आप लोग मुझे कॉमेंट्स में फिर से बोल रही हूँ बताना कि कौन कौन सी चीज़ और एक्स्ट्रा हो सकती है जो कि मैं लेके जा सकती हूँ, क्योंकि ये तो बस मेरी ही रिसर्च थी, मैं अपने मुँह ही कर रही हूँ रिसर्च, चीज़ें सेट करके रखी, लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस मम्मीज़ हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि इनमें से कौन सी चीज़ आलतू फालतू है या कौन सी चीज़ और ऐड कर दूँ। और इसी के साथ ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में मिलते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं बहुत टायर्ड हो गई बोल बोल के, तो मैं बस रेस्ट करूँगी और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, खुदा हाफिज़, बाय बाय।